हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आचार संहिता लगने के बाद पहली बार सोलन के ऐतिहासिक ठोटो मैदान में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन भाजपा चुनाव कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुट चुके हैं। गुलेरिया ने कहा कि ऐतिहासिक ठोडो मैदान में होने वाली रैली शिमला संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अहम होगी और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि इस रैली को सफल बनाए। आज सोलन में कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी और उसका कारण ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बजा है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली सोलन को मिली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 20-21 विभाग अलग अलग और उनकी सारी कार्य योजना तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में है और मैं ये कह सकता हूँ कि सोलन के ऐतिहासिक ठोटो ग्राउंड में ऐतिहासिक मोदी जी की रैली होने जा रही है और इसका इम्पैक्ट सोलन जिला ही नहीं, शिमला पार्लियामेंट के साथ साथ अन्य पार्लियामेंट में भी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है। उसकी तैयारियों में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं, उसके लिए आज बैठक रखी गई।